हेलो बच्चों, कैसा काय? आई होप आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे और आपको केमिस्ट्री एंड मैथ इजी भी लग रहा होगा। रफ़ी सर का एक ही स्लोगन है, यू नो, जिसकी नोटबुक में नहीं होता रफ़ी सर का ट्रिक्स एंड कंसेप्ट, उससे नहीं होता एग्ज़ाम में एवरी प्रॉब्लम क्विक एंड परफेक्ट। तो जी हाँ बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट मैं लेके आया हूँ वो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो ध्यान से समझना, पॉइंट नंबर वन कि डी वाई वाई डी एक्स जो होता है उसको वाई वन या वाई डैश लिख सकते हैं। सिमिलरली डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर को वाई टू या वाई डबल डैश लिख सकते हैं एंड डी थ्री वाई वाई डी एक्स क्यू को वाई थ्री या वाई ट्रिपल डैश लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो पॉइंट नंबर वन आपको क्लियर रहना है, इन सब में से कोई भी यूज हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो वो सारे इक्वेशन जिसमें इनमें से एटलीस्ट कोई ना कोई एक होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, इनमें से डैट मीन्स वाई वन या वाई टू या वाई थ्री एंड सो ऑन, उनमें से कोई एक कम से कम होना चाहिए। एक से ज़्यादा हो तो चलेगा, एक भी ना हो तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो ये आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये वाई वन आ चुका है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे कभी कभी आपको सेपरेट करके दे देगा। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं डी एक्स से डिवाइड कर दूँ तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, डैट मीन्स वाई वन आ चुका है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ दिख रहा है राइट, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली इसमें वाई वन या वाई टू या वाई थ्री एंड सो ऑन, इनमें से डेरिवेटिव वाला कोई भी टर्म नहीं आया है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो पहला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि आप देख करके बता सकते हैं कि कोई गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। और उसका सिंपल सा पॉइंट है कि आपके इक्वेशन में से इनमें से कोई ना कोई एक आना चाहिए। पॉइंट नंबर टू कि अगर आपने पहचान लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो डैट्स वेरी सिंपल। ऑर्डर के लिए आपको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाइएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आया है। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आएगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव y1 आया तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। इसमें अगर बात करें तो dy by dx, यहाँ भी ऑर्डर 1। इसमें बात करेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना बेटा, तो ये डबल डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2। इस ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, तो वेरी सिंपल है ऑर्डर फाइंड आउट करना। पॉइंट नंबर थ्री, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिग्री कैसे बताएंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप कैसे बताएंगे? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है उसको बताएंगे। तो यहाँ पे तीन पॉइंट रफ़ी सर ने मेंशन किया, उसको अच्छे से समझना। आप डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं बता सकते, उसके लिए ये तीन पॉइंट को आपको चेक करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है कि जो भी आपका वाई वन या वाई टू या वाई थ्री एंड सो ऑन जो भी है वो फ्री फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, या उस पर पावर फ्रैक्शन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप डिग्री बता सकते हो। ऑर्डर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बता सकते हैं, बट डिग्री बताने में आपको ये चेक करना है, पॉइंट ये चेक करना है कि जितने भी डेरिवेटिव पावर हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर में, डैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये होना चाहिए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो, बट सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री डिफाइन करने में ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो अगेन इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर बोला जाए तो वेरी क्विकली बता देंगे। क्यों? क्योंकि डबल डेरीवेटिव हाइएस्ट डेरीवेटिव है, तो यहाँ पर ऑर्डर तो हो जाएगा 2, बट डिग्री अभी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि ये जो डबल डेरिवेटिव है या सिंगल डेरिवेटिव है ये एक नेचुरल नंबर में आ जाए। क्यों? क्योंकि ऑल डेरिवेटिव पावर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? वाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो, वाई वन प्लस थ्री, और इसका क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, 2/3। और फिर अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्या हो जाएगा? वाई टू का क्यूब इज इक्वल टू वाई वन प्लस थ्री, और ये क्यूब करेंगे तो ये सिर्फ 2। तो अब आप ध्यान से देखो, तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो आपसे अगर ऑर्डर पूछा जाता तो वेरी सिंपल था, डैट इज़ 2, बट अगर डिग्री पूछा जाएगा तो डिग्री क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, जो हाइएस्ट डेरीवेटिव होंगे उसका पावर, हाइएस्ट डेरीवेटिव कौन है? डबल डेरिवेटिव, उसका पावर 3 है तो डिग्री 3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले आप देखेंगे, अगर वो कन्वर्ट हो सकता है तो डिग्री डिफाइन है,
नहीं हो सकता है तो नहीं डिफाइंड है। वैसे ही अगर एग्जांपल नंबर टू में आप ध्यान से देखो तो इसमें आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो डैट इज़ टू। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो डबल डेरिवेटिव है। बट यहाँ पे हम ध्यान दो तो डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री नॉट डिफाइंड, बिकॉज कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। डैट मीन्स आपका जो डेरिवेटिव है वो आपका नेचुरल नंबर में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑर्डर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, ध्यान से देखो ऑर्डर क्या बोलेंगे, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो अगेन टू, राइट। और अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो डिग्री यहाँ पे हम बता सकते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर डेट इज़ टू, तो डिग्री भी टू हो जाएगा। यहाँ पे सर क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स ये अलग चीज़ है, राइट। डी वाई बाई डी एक्स जो ध्यान देना है, इसलिए इसको लिखा है पहले पॉइंट पे कि ये सब जो डेरिवेटिव वाले टर्म है वो ध्यान से देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, उसमें मल्टीप्लाई हो तो चलेगा, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, या फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि आपका जो डेरिवेटिव वाला टर्म है वो नेचुरल पावर रखना चाहिए। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री डिफाइन भी हो सकती है और नहीं भी डिफाइन हो सकती है, बट ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के एकदम क्लियर होने चाहिए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको ध्यान देना है आपको दो तरीके से इक्वेशन गिवन हो सकता है। एक आपको डायरेक्ट जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, एक डायरेक्ट गिवन हो सकता है, और एक वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है जैसे पैराबोला हैविंग डायरेक्टरिस्टिक्स एट एक्स इजिकल टू माइनस है। तो आपको क्वेश्चन को रीड कर करके पहले इस टाइप का एक इक्वेशन लेके आना पड़ेगा। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर डायरेक्टरिस्टिक्स एट एक्स इजिकल टू माइनस ए है तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ये पैराबोला हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो उसमें ध्यान क्या रखना है, दैट इज पॉइंट नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको देखना है कि इक्वेशन में कितने कांस्टेंट टर्म हैं। जितने कांस्टेंट टर्म होंगे उतने बार आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। ध्यान दें, जितने कांस्टेंट टर्म होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये एक इक्वेशन आएगा और ये इक्वेशन है ही, और इन सब का यूज करके आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसको, सारे कांस्टेंट टर्म को। जितने भी कांस्टेंट टर्म आपके गिवन इक्वेशन में होंगे उन सबको एलिमिनेट कर देना है वाई यूजिंग दिस इक्वेशन ऑलरेडी ये, और जितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया वो भी एक इक्वेशन है, उसका यूज कर करके आपको एलिमिनेट कर देना है सारे कांस्टेंट टर्म को। डैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप तभी बोलेंगे जब उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो, इसलिए एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन आपको गिवन है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना हो, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, राइट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आ रहा है, इसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से एम क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो एम को क्या लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स, तो यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आप चाहो तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो बस यही पॉइंट ध्यान देना है, जितने कांस्टेंट टर्म होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट कर देना है उस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन का यूज करके जो जो कांस्टेंट टर्म होंगे उसको एलिमिनेट कर देना है, यू विल गेट योर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए एक पॉइंट और आप लिख लेना कि कभी कभी ऐसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा किस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो एंड वेरीफाई कर सकते हो। कभी कभी हम ऐसा भी करेंगे, इस पॉइंट को भी लिख लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगा, चार ऑप्शन गिवन होगा, ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन में वन प्लस वाई डैश की पावर 1 बाई थ्री इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वाई डबल डैश, क्योंकि बताया था वाई वन वाई टू क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो देखो ऑर्डर में तो दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डबल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो टू होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन नहीं होंगे, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, राइट। अब यहाँ पे डिग्री आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, पहले इन सबको हटाना पड़ेगा। तो पहले दोनों साइड अगर मैं क्यूब कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू की पावर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 3/2, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ होता है, तो 3/2 हो जाएगा। अब अभी भी ये नहीं है तो फिर से मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टू की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो इसलिए हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितना रहा है, 3, तो इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 3, योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको करना है।
वैसे ही क्वेश्चन नंबर टू में अगर आप ध्यान से देखो तो y1 y2 फर्स्ट डेरिवेटिव वन सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर में तो दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 आ रहा है तो ऑर्डर 2 होगा। तो ध्यान से देखो तो इसमें सारे ऑप्शन में राइट, तो हमें डिग्री देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये 3 हटाने के लिए इसको दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस y1 का स्क्वायर और ये होल का पावर 5 इज इक्वल टू 8 वाई टू का पावर 3। तो आप ध्यान से देखो, आप जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक इक्वेशन गिवन है, तो इस इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो आप ध्यान से सोचो कैसे ऐसे प्रॉब्लम को थिंक करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म एक ही है, डेट इज सी। तो इसका मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आएगा वो y1 आएगा, y डैश आएगा। इसलिए ऑर्डर तो हमें कंफर्म है कि 1 होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए या डी होने वाला है। अब डिग्री निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, तो पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करो तो 2y y' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c राइट। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c की जगह ये पूरा पुट कर देता हूँ 2y y' और इंटू में x प्लस रूट c की जगह क्या आएगा, ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल, तो रूट c की जगह क्या आ जाएगा y y' का रूट। अब यहाँ पे ध्यान देना, डायरेक्ट डिग्री नहीं बता सकते हैं क्योंकि y डैश की पावर हाफ है, तो हम इसे नेचुरल नंबर में लेके आएंगे। तो कैसे ला सकते हैं, ध्यान से देखो, एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया y इज इक्वल टू 2y' x राइट, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y' रूट अंडर ऑफ y y'। तो आप इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा y माइनस 2y' x इज इक्वल टू 2y' रूट अंडर ऑफ y इंटू y'। अब दोनों साइड स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ध्यान से देखो, स्क्वायर कर सकता हूं मैं, तो ये तो हो जाएगा ऐसे ही रहने दो, y माइनस 2y' x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो 2y' इंटू y y', और यहाँ पे इसका तो स्क्वायर रहेगा राइट, तो ये आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो y' डैट मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव तो y' ही आया dy/dx, लेकिन उसका पावर ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y' का पावर कितना आ जाएगा 3, इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा 3, सो योर ऑप्शन विल बी डी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप ध्यान से समझो कैसे हमें करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में y इज इक्वल टू e^x इंटू a cos x प्लस b sin x आपको गिवन है, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो ध्यान से देखो आपको कैसे थिंक करना है, चूंकि यहाँ पे दो कांस्टेंट है a एंड b, इसलिए इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू u इंटू v रूल लगा देंगे, तो e^x का डेरिवेटिव e^x और ये एज इट इज, तो क्या हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, फिर प्लस e^x और इसका डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखो y" इज इक्वल टू अगेन यू वी रूल, तो ये तो यही हो जाएगा e^x ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस e^x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फिर प्लस अब इसका करेंगे तो ध्यान से देखो अगेन सेम e^x, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और फिर प्लस e^x साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो माइनस ए कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस बी साइन एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है e^x इंटू a cos x प्लस b sin x फिर से किसके बराबर है, y के। तो ध्यान से देखना, मैं सिर्फ इसको अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरा z है राइट, तो लिख सकता हूँ y डैश इज इक्वल टू y प्लस z, तो यहाँ से z क्या हो जाएगा y डैश माइनस y। तो अब मैं इसमें पुट करता हूँ, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा y" इज इक्वल टू, ये फिर से आपका पूरा क्या है ध्यान से देखो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है देखो y, और ये वाला अभी कर दिए हैं z, डैट इज क्या हो जाएगा प्लस y डैश माइनस y, फिर यहाँ पे ध्यान से देखो ये वही है, तो प्लस y डैश माइनस y, और ये ध्यान से देखो माइनस कॉमन लेंगे तो फिर से ये माइनस y हो जाएगा, तो ये माइनस y, तो ये प्लस y माइनस y कैंसिल, तो यहाँ पे ध्यान से देखो y" इज इक्वल टू y डैश क्या हो जाएगा 2y' और माइनस y माइनस y माइनस में 2y, सब एक साइड में ले आएंगे तो y" माइनस 2y' प्लस 2y इज इक्वल टू 0, सो योर ऑप्शन विल बी डी। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें तो यू नो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, डेट मीन्स 0, 0 सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए कॉन्स्टेंट टर्म उसमें नहीं होगा। दूसरा कि सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, डैट मीन्स वाई जीरो होना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये सब हटा दो तो सिर्फ इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस में टू जी एक्स लेना पड़ेगा इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आ चुकी है, चूँकि इसमें एक ही कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसे हमें हटाना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई वाई डैश माइनस टू जी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू वाई वाई डैश, राइट। अब इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो तो इस कॉन्स्टेंट टर्म को हटाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस टू जी की जगह ध्यान से देखो ये पुट कर देंगे और एक्स है ही, तो ये पुट कर देता हूँ मैं, तो टू एक्स प्लस टू वाई वाई डैश। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे देखो तो माइनस में टू एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स वाई वाई डैश। अब ध्यान से देखो तो ये एक कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई वाई डैश, राइट। सो योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है, हमने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे समझ लोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम इजी हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।